नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक उत्तम, योग इंस्टीट्यूट आप एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग पहले दो वीडियो में के चैप्टर के अंतर्गत हमने स्टेट लाइन पर उठाया था। स्टेट लाइन में हम लोगों ने पहले विस्थापन क्या है, विराम क्या है, त्वरण क्या है, चाल क्या है, औसत चाल, गति के समीकरण। इसके बाद हम गति के समीकरण में जब हम पिंड को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो जी का मान कैसा होता है, जब पिंड ऊपर से नीचे आता है तब क्या जी का मान होता है, किस में प्लस में रखते हैं कि किस में माइनस पे रखते हैं। उसके साथ हमने औसत चाल के अंतर्गत हम तीन चीज़ें बताई थी कि जब तुम्हारा समय अगर समान दिए है तो फार्मूला क्या होगा, अगर आपकी दूरी समान है तब क्या होगा, अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्या फार्मूला बनेगा, उसकी भी बस में बात की थी। अब उसके बाद हमारा कुछ चीज़ें बची हुई थी, लगभग दो तीन चार पॉइंट बचे हुए हैं, तो तीन चार पॉइंट ये हैं आपके। उसके बाद ये चैप्टर मान लो ख़त्म है, इसके बाद जो अगला चैप्टर है उस पर हम बताएंगे। तो इस पे इतना होने के बाद जो इसके न्यूमेरिकल हैं पूरे हमें इसमें न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो आपका जितना इस चैप्टर में जितने आने वाले हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पूरे सभी के सभी इसी पे हम करवा देंगे, इसी पे जो हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन होंगे कुछ तो हर टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करवा लेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब हम क्या किसी पिंड को अधिकतम ऊंचाई पर फेंके जाने पर लगा समय, यानी हम किसी पिंड को अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऊपर मान लो अगर ये मार्कर है, मार्कर को हम ऊपर की ओर फेंकें तो हमारा क्या जो समय लगेगा ऊपर जाने में तो कितना समय लगेगा, तो उसका है। तो यानी हम समय क्या लिखेंगे उसके लिए फार्मूला हमारा बन जाता है टी बराबर वी अपान जी, टी बराबर वी अपान जी। ये आपका पिंड को ऊपर फेंकने में पहुंचने में समय है। अगर हम किसी पिंड को या किसी वस्तु को ऊपर उछालते हैं तो उछालने में जो ऊपर तक जाएगी, जो मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तक, तो उस पर जो समय लगेगा वो कितना लगेगा उसके वेग और गुरुत्वीय त्वरण के बटे, यानी तो टी बराबर वी अपान जी। अगला क्या कह रहा है, किसी वस्तु को ऊपर तक जाने में तथा ऊपर से नीचे आने, अगर वो कोई वस्तु अगर ऊपर गई है तो ऊपर से नीचे आएगी, तो ये मार्कर का ढक्कन है, तो अगर ऊपर ये जाएगा तो ऊपर से फिर नीचे आएगा। तो वही चीज़ है, अगर किसी वस्तु को या वस्तु को ऊपर तक जाने में तथा वापस नीचे आने में कुल समय, तो कुल समय हमारा क्या कैपिटल से इसको लिख दे, तो कैपिटल टी बराबर अब जितना जाने में समय लगेगा उतना ही आने में, तो टू वी अपान जी, जितना जाने में समय लगेगा उतना ही आने में, तो टू वी अपान जी हो जाएगा। अगला, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर किस वेग से, वी वेग से फेंका जाए, अगर वी वेग से फेंक रहे हैं तो वस्तु द्वारा तय की गई क्या अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच मैक्सिमम। और एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका किस वेग से, वी वेग से, यानी वी स्क्वायर अपान टू जी, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। इसके लिए ये फार्मूला है, सेम है, इनको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं इस पे। क्या अगला, किसी पिंड को यच ऊंचाई तक फेंकने के लिए पिंड का प्रारंभिक वेग, अब पिंड का प्रारंभिक वेग हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या वी माना है तो वी हो गया, अब प्रारंभिक वेग क्या यू होता है तो यू कर ले, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बराबर, अब इसका क्रॉस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा टू जी एच, तो चाहे इसको रूट के अंदर लिख लें यू बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच। तो ये चीज फार्मूले थी, तो तुम्हारे लगभग इसमें सब पूरा खत्म हो चुका है। इसके आगे के जो न्यूमेरिकल है उसमें एक पॉइंट और है, इस पे तुम्हारा हम बात करते हैं उसकी पहले। एक चीज रह गई है आपका, क्या आपेक्षिक वेग, क्या आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग क्या होगा आपका, आपेक्षिक वेग यानी एक पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड का वेग ज्ञात करना हो तो क्या होगा आपेक्षिक वेग, यानी किसी एक पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड का वेग जो होगा वो क्या कहलाएगा आपेक्षिक वेग। तो आपेक्षिक वेग में दो टाइप से होते हैं, अगर एक ही दिशा में गतिमान हो पिंड, दो पिंड है मान लो, एक पिंड ए है, ए और बी, एक पिंड ए दूसरा बी है, दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं,
जब एक पिंड ए है और एक पिंड बी है, दोनों ही किस दिशा में गतिमान है, ए एक ही दिशा में, तब क्या होगा इसका अपेक्षिक वेग? तो अपेक्षिक वेग दोनों में हमें अगर किसी एक का ही तो निकालेंगे, अगर ए के सापेक्ष बी का निकालें या बी के सापेक्ष ए का निकालें, तो हम क्या लिखें, पॉइंट हमारा पहला क्या बन जाएगा, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग। अब हमें जिसका कहा जाए उसको क्या पहले, तो यानी अपेक्षिक वेग किसका कह रहा है, पूछ किसका रहा है, बी का, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग, तो बी का, तो हमें क्या लिखना है, वी बी ए, वी बी ए। तो अब यहां पे जिस क्रम में है सीधे उसी क्रम में लिख देंगे, तो वी बी ए बराबर वी बी ए माइनस वी, क्या हो जाएगा, वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए, ये आपका हो जाएगा ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग। तो जिसको पूछे उसको पहले, यानी बी है तो बी पहले, बी पहले ए बाद में, अगर यहीं पे कह दे क्या, दूसरा पॉइंट समझ ले क्या, बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग, बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग, अपेक्षिक वेग। अब क्या कहा, बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग, तो हमने क्या जो कहा जाए उसे पहले, क्या कहा, किसका पूछा है, ए का, तो ए पहले हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वी ए बी बराबर ए पहले, तो ए पहले वी ए माइनस वी बी, ये बन जाएगा आपका बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग। ये क्या था, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग। तो इस पे कन्फ्यूजन नहीं करना, अगर आप इसको उल्टा लिख दोगे तो आपका गलत होगा, तो ये चीज को ध्यान रखना, जिसका कहा जाए उससे पहले, जिसको बाद में कहा जाए उसको, मतलब जिसका पूछा जाए उसे पहले, जिसका पूछा जाए उसका पहले, और जो नहीं पूछता उस जिसके सापेक्ष की बात करता है वो लास्ट में। तो अब इसका एक एक पूछा है तो एक हम पहले लिखेंगे, उसके बाद भी बाद में, वो दोनों को घटा देंगे, जब ये क्या थे एक ही दिशा में गतिमान थे, दूसरा पॉइंट बनेगा जब दोनों क्या होंगे विपरीत, तो दूसरा क्या हो जाएगा, जब दोनों पिंड, जब दोनों पिंड विपरीत दिशा में हो, विपरीत विपरीत दिशा में गतिमान हो, अब दोनों क्या है विपरीत दिशा में, अब एक ही दिशा में थे तो क्या थे, घट रहे थे, लेकिन विपरीत दिशा में है तो क्या जुड़ेंगे, तो कैसे, तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग, बी के सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग, बी ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग। तो क्या जो चीज पहले है उसे पहले, क्या किसका पूछा गया, बी का, तो बी पहले हो गया, बी बी ए बी, बी का पूछा तो बी पहले, फिर ए हो जाएगा बी ए, अब तो बी पहले आ जाएगा, वी बी प्लस वी ए, तो विपरीत के लिए प्लस चिन्ह है, विपरीत के लिए प्लस चिन्ह, और जब एक ही दिशा में हो तो क्या माइनस चिन्ह, इसका ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा आपका इसमें, ए के सापेक्ष है बी के, अब क्या हो जाएगा, बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग, बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग, क्या बन जाएगा, अब किसका पूछा है, ए का, तो क्या हो जाएगा, वी ए, वी ए बी बराबर वी ए प्लस वी बी,
इनमें आपका मान तो दोनों में सेम आएगा, लेकिन परिवर्तन कहाँ पे करेगा, वी बी ए और वी ए बी। अगर पूछ लेगा कि दो पिंड हैं एक विपरीत दिशा में, दोनों गतिमान हैं, तो ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग दोनों का वेग दे देगा, तो कह देगा बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग, दोनों में मान यहाँ सेम आएंगे, यहाँ भी 60 अगर है तो यहाँ पे भी 60 होगा, लेकिन परिवर्तन कहाँ पे होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ए बी होगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी ए है तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी ए है तो यहाँ पे ए बी, इनको बदलेगा कि यहाँ पे ए बी कर दे, यहाँ पे बी ए कर देगा, पूछ क्या देगा, बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग है क्या, वी ए बी बराबर 60। एक विकल्प ये हो जाएगा, एक दूसरा दे देगा, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग है वी ए बी, यहाँ पे भी दे देगा। तो आपको ध्यान देना है कि जिसका पूछा जाए उसे पहले रखना है, जिसको नहीं पूछे उसे बाद में रखना है, बस इतना ध्यान देना है इसमें। अब यहां से आपका चैप्टर है खत्म, अब हम इसमें न्यूमेरिकल की बात करेंगे पूरी। अब हमारे जितने न्यूमेरिकल हैं लगभग हर टाइप के, इसमें हम पूरे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक। एक पॉइंट और है इसको ध्यान रखना, एक पॉइंट और है इसको ध्यान रखना, यदि कोई कण, यदि कोई कण त्वरण क्या होगा, तो औसत त्वरण के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने वहां पे औसत वेग वगैरह पढ़े थे, तो ऐसे यहीं पे औसत चाल वगैरह जो हमने पढ़ी थी वहां पे वही चीजें, यहाँ पे औसत त्वरण करना है। तो यानी औसत त्वरण ए बराबर ए वन टी वन प्लस ए टू टी टू अपान टी वन प्लस टी टू, बस इतना करना है, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पर, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है यदि एक कार, पहला क्वेश्चन है हमारा, तो क्या कह रहा है कि एक कार है, यदि एक कार विरामावस्था से चलकर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करती है, तो 10 सेकंड के बाद कार का वेग ज्ञात कीजिए, 10 सेकंड के बाद कार का वेग ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिए हैं, कह रहा विरामावस्था से चलकर, यानी यू बराबर क्या है, जीरो, विरामावस्था से चलेगा तो यू बराबर जीरो। समय कितना है, कितने समय, टी बराबर 10 सेकंड, तो 10 सेकंड बाद वेग पूछ रहा है, यानी अंतिम वेग, वी बराबर पूछ रहा है कार का 10 सेकंड के बाद क्या वेग क्या हो जाएगा, वी पूछ रहा है यानी अंतिम वेग। प्रारंभिक क्या, विरामावस्था चल रही थी यानी जीरो है, और टी हमारा क्या है 10 सेकंड, और क्या कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्क्वायर लगाया तो सीधे समझ जाओ क्या दिए, त्वरण, तो यहाँ पे लिखा भी है त्वरण, तो क्या ए का मान कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए का मान दिए, ए तो क्या वी पूछा है, क्या पूछा है वी, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, वी बराबर यू प्लस ए टी, एकदम सिंपल सा है, तुच्छ सा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा v बराबर u प्लस at से हमें क्या v याद करना है, v बराबर u का मान क्या है जीरो, तो जीरो, a का मान क्या है 20 है, 20 हो जाएगा, t का मान कितना है 10 है, 10 हो जाएगा, तो v का मान क्या आ जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका 10 सेकंड के बाद कौन सा वेग प्राप्त कर लेगी वो, 10 सेकंड के बाद कार का वेग क्या हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी कार का वेग क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ब्रेक लगाने पे 6 मीटर की दूरी पर वो रुकती है जाकर, तो यही कह रहा है कि 100 किलोमीटर की उससे गतिमान होती, तो कितनी दूरी पे जाकर रुकती, कुछ नहीं है सीधे इस पे, अगर हम इसमें
बेसिक से करेंगे तो क्या हमारा तृतीय फार्मूला तो क्या क्या दिए पहले क्या है, अरे जब जाके कार रुकेगी तो v क्या हो जाएगा आपका जीरो, प्रारंभिक वेग क्या दिए है 50 किलोमीटर, यानी u1 हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, u2 का मान कितना दिए है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और यस वन यानी दूरी है, यस वन कितना दिए 6 मीटर की दूरी पर, यस टू पूछ रहा है, यस टू पूछ रहा है, और वी वन आपका जीरो है और वी टू भी आपका क्या होगा जीरो, कुछ नहीं है सिंपल सा कर लो क्या हो जाएगा। अब तुम इसमें कौन सी दो चीज़ें दिए, यू का मान दिए यस का मान दिए है, यू का दिए है यस का दिए है, यस का पूछ रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा जाकर, तृतीय फार्मूला ही क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है ब्रेक लगाई जाएगी तो क्या होगी मंदन, तो ब्रेक लगाने पे क्या ए का मान क्या है में आएगा माइनस पे ए, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें किससे यस का मान हमें याद करना है, ए से कोई मतलब ही नहीं, तो क्या हो जाएगा टू ए यस वैसे ये तृतीय है, लेकिन इसका मान क्या है जीरो, तो क्या बन जाएगा माइनस का यू स्क्वायर बराबर टू ए यस, माइनस का यू स्क्वायर बराबर टू ए यस, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या हमें ज्ञात क्या करना है यस वन और यस टू, तो यहाँ पे यू वन कर लो यहाँ पे यस वन कर लो, लेकिन त्वरण आपका दोनों में क्या होगा समान होगा अलग नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा यू वन स्क्वायर बराबर यस वन टू यस वन, ये भी आपका फिक्स वैल्यू है, दो यहाँ पे रहेगा दो अगले उसमें भी रहेगा, तो ये आपका अगर चाहोगे तो समीकरण इसका फर्स्ट बना लो, दूसरा क्या बन जाएगा यू टू स्क्वायर बराबर टू ए यस टू, ये दूसरा बन जाएगा। अब दोनों को अगर भाग दोगे तो आपका कैसे बनेगा, तो सीधे समीकरण क्या बन गया ये किसके u किसके पर अनुक्रमण पाती हुआ किसके u स्क्वायर बराबर यस के अनुक्रमण पाती, u अनुक्रमण क्या यस के अनुक्रमण पाती, u स्क्वायर आपका किसके यस के अनुक्रमण पाती। तो आप क्या कर लोगे सीधे डायरेक्ट वो कर लो, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे आप यहाँ पे मान रखो कुछ नहीं है, देखो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा यू वन स्क्वायर बटे होल स्क्वायर कर लो दोनों पे है ना, यू वन बटे यू टू का होल स्क्वायर बराबर यस वन अपान यस टू, इस पे बांध रखो सीधे आ जाएगा वही चीज़ है, यहाँ से काटोगे ये सब कट जाएगा तो ये बचेगा तो सीधे आ जाएगा, तो बस मान रख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू वन का मान कितना दिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यू टू का मान कितना दिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यस वन का मान है 6 निकाल लो, तो 50/100 का होल स्क्वायर बराबर, अब किलोमीटर है यहाँ पे किलोमीटर है यहाँ पे मीटर है, एक्चुअली में यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है किलोमीटर प्रति घंटा दोनों इकाइयाँ कट जाएंगी, तो हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम वैसे करते तो बदलना पड़ता यहाँ पे क्योंकि मीटर थी यहाँ पे हमारा किलोमीटर में है, तो हमें बदलना पड़ता या तो मीटर बदलते या तो किलोमीटर में बदलते, ऑप्शन के अनुसार था वो, तो क्या हो जाएगा यशवंत का मान कितना दिए 6 बटे, यश टू का मान कितना है ज्ञात करना है तो यश टू लिख दे कर लो, क्या हो जाएगा 50 से कम 50 दूना 100 यानी 1/4 = 6/2 तो यश टू का मान क्या आ गया 24, यश टू का मान क्या आ गया 24 किसमें मीटर में, यस वन किस में था आपका मीटर में, तो यहाँ पे मीटर में आएगा बाकी तो ये कट जाएगा ना इसमें, तो यस वन यस टू का मान क्या आ गया 24 मीटर, ये आपका हो जाएगा इसका, कि अगर हम 50 से चल रहे थे अगर हम फिर 100 से चलते ब्रेक लगाते तो आप कितनी दूरी पे जाकर रुकते 24 मीटर की दूरी पे जाकर के गाड़ी रुकती आपकी, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो सीधे आपको इस पे ध्यान रखना है कि यू वन अपान यू टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यस वन अपान यस टू, एकदम दो सीधे करना है क्वेश्चन, दो सेकंडों में सॉल्व हो जाता।